नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मानसी गुलाटी भारत समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज मैं आपको डायबिटीज टाइप ए टाइप बी के लिए बहुत सिंपल से योगासन बताऊंगी। डायबिटीज क्यों होता है? जब आपका पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। टाइप ए डायबिटीज में आपका बॉडी इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता है। टाइप बी में इंसुलिन रिसीव नहीं करता आपका बॉडी। तो आज हम जो आसन करेंगे वो आपके पैनक्रीज को एक्टिवेट करता है, आपको स्वस्थ रखता है और निरोग रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे चिन मुद्रा में, मन को शांत रखेंगे। तीन गहरी सांसें लेंगे, रिलीज। यदि आपको डायबिटीज है तो आपको इंटेंस आसन और क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं बहुत सिंपल सा अभ्यास आपको बता रही हूं। हम शुरू करेंगे सिंपल क्रिया के साथ में ही, इसको हम योगिक क्रिया भी बोलते हैं। इसमें अपनी सांसों की गति को बढ़ाइए, वाइल इनहलेशन एक्सहलेशन, राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक। आंखों को बंद कर लीजिए, सांस लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी को पूरी तरह एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक बार और करेंगे, इनहेल, रिलैक्स। वी कैन फील सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। ये क्रिया बहुत आपकी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करती है, मन को भी पूरी तरह शांत रखती है। स्ट्रेस भी रीजन होता है काफी सारे रोगों का, डायबिटीज का भी। तो अपने आप को हमेशा तनाव मुक्त रखिए, योग करते रहिए। चलिए दूसरी क्रिया हम करेंगे, महाक्रिया। महाक्रिया भी बहुत अच्छी क्रिया होती है दोनों टाइप की डायबिटीज के लिए, डायबिटीज A1 और टाइप वन और टाइप बी के लिए। तो चलिए करते हैं महाक्रिया। हम वज्रासन में बैठ जाएंगे दोस्तों, मुट्ठी बना लेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे से बॉडी को आगे लेके आइए, एक्सहेल, रिलैक्स। एक्सहलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। और महाक्रिया को खाना खाने के 10 मिनट के पहले जरूर करिए, इससे आपकी डायबिटीज पूरी तरह कंट्रोल होगी। अब मैं आपको बालासन बताऊंगी, बालासन किस तरह से करना है दोस्तों। और याद रखिए, ये सारे आसन क्रिया आपके पैनक्रीज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। इनहेल, एक्सहेल, धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आइए और अपने हाथ को स्ट्रेच करिए, फोरहेड को नीचे लगाइए,
इनहेल कम अप, थोड़ा आसन धीरे करिए और इसका अच्छा रिजल्ट आप लोग पाइए। एक बार और करेंगे बालासन को, सबसे अच्छा क्रिया होता है, आसन होता है, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। इनहेल, धीरे से बॉडी को आगे लेके जाइए, एक्सहेल, स्ट्रेच करिए अपने हाथ को, फोरहेड को नीचे लगाइए। चलिए अब हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन करना भी बहुत अच्छा होता है, आपके पैनक्रीज को एक्टिवेट करता है। सिंपली अपने पाँव को स्ट्रेच करेंगे, सबसे पहले बॉडी को हमेशा रिलैक्स रखिए, डोंट गिव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टू योर बॉडी। इनहेल, धीरे से बॉडी को आगे लेके जाइए, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल कम अप, रिलीज, रिलैक्स। एक बार और करेंगे इस आसन को दोस्तों, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल कम अप एंड रिलीज। अभी बहुत सिंपल तरीके से हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करना भी बहुत जरूरी होता है, टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपके मन को पूरी तरह शांत रखता है। ओम का उच्चारण करेंगे, तीन शब्द आ ऊ मा, इन तीन शब्दों को हम सही से जोड़ेंगे। आ 50%, ऊ 30%, रेस्ट 20% मा। देखिए किस तरह से करना है। राइट हैंड अब चेस्ट पे रखिए, लेफ्ट हैंड अपने स्टमक पे रखिए, सांस लीजिए, लाइट मसाज आपके चेहरे पे। थैंक यू। मैं आशा करती हूं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने विचार सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। साथ में पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए 5 बजे के बाद। अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड, जंक फूड। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।